क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। नालंदा के इस्लामपुर में बीजेपी ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व राजद नेता महेंद्र यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। जनसभा के दौरान पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को 2014 में भी पीएम बनने का कीड़ा काट लिया था और इस बार फिर से उन्हें पीएम बनने का कीड़ा काट लिया है। इस बार जनता उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में 0 पर आउट कर पवेलियन भेजने का काम करेगी। यहाँ किसी दिन एक दर्जन से कम हत्या नहीं होती है। 24 की बात बता रहा हूं, एक दिन में 12 हत्याएं, 2 मारपीट, फायरिंग, 1 दुष्कर्म, लूटपाट, कुल 24 जघन्य अपराध। मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तेजस्वी जी कहते हैं कि हमको बनाइए, खुद बोलते नहीं है। मालूम है गठबंधन नीतीश जी तोड़ लेंगे विरासत के, न उड़ा सकते हैं, न उड़ा सकते हैं। रोज उसके विधायक कुछ बोलते हैं, उसके नेता कुछ बोलते हैं, लेकिन सरकार अपराधियों के चंगुल से मुक्त हो जाती है। अब बताइए, 18 वर्ष के बाद कोई समाधान करेगा तो 18 वर्ष के बाद अपमान क्या होता है, पहले ये बताइए। अब ये लोग कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, पहले ये लोग खुद अपना रोजगार ले रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हमको सीएम बनना है, कोई कहता है हमको पीएम बनना है। कि आजकल पलटू कुमार जी को 2-2 3-3 साल पर नहीं, बच्चे लोगों को मिल नहीं लगता है, इनको आजकल कीड़ा काट दिया है। 2014 में इनको कीड़ा काटा था तो ये प्रधानमंत्री बन रहे थे, तो मात्र 2 सीट आया था। अभी क्या होगा, 2024 में जनता इस बार इसको 0 पर लेकर आउट करके पवेलियन भेजने का काम करेगी। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की बहुजन जोड़ो यात्रा रोहतास पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जोहार आजाद के नेतृत्व में डेहरी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर का भ्रमण किया। बता दें कि पदयात्रा का समापन बहुजन समाज पार्टी के द्वारा 6 मार्च को पटना में होने वाली रैली में होगा, जिसमें चंद्रशेखर रावण भी होंगे शामिल। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करना है। बाढ़ के अतमल गोला प्रखंड के शबीना पंचायत के चंदा गांव में लगभग 30 साल बाद विकास देखने को मिला है। अपराध और समस्याओं से जाना जाने वाले गांव के हालात में सुधार आया है। बताते कि ग्राम पंचायत राज के सौजन्य से कई विकास की योजनाओं धरातल पर उतरी हैं। ग्रामीण इस विकास से काफी खुश नजर आ रहे हैं। गांव में गलियों में जल जमाव और उबर खाबड़ रास्तों पर चलना समस्या बनी हुई थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई थी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। वर्तमान मुखिया मधु कुमारी और उनके प्रतिनिधि धर्मेश कुमार के द्वारा पहल करते हुए पूरे गाँव में गलियों में नाला और PCS सड़क का निर्माण शुरू किया गया है। ग्रामीण इस बदलाव से काफी खुश नजर आ रहे हैं। आता था जाता था, कब से था ये? कितना युग कुर्सी हुआ, कितना हुआ जगह, कौन सा ये? पहले जो मुखिया थे वो निर्माण नहीं करवाए थे, अभी जो मुखिया वर्तमान में कौन है? धर्मेश मुखिया जी।
तो उनके द्वारा जो विकास कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? बहुत डेंजर आज तक कोई कर भी नहीं किया। बहुत बढ़िया मुखिया हैं जो प्रार्थना करते कि उसका सब बनते रहे, कुछ नहीं हुआ यहाँ जब से जो भी मुखिया बने। देखिए रहे स्थिति क्या है, अब थोड़ा सा बोले हैं कि जो काम बचा हुआ है पाँच साल लगभग। कितने वर्षों के बाद आप इस सड़क पर चल रहे हैं? वर्षों के बाद क्या, वो तो समझिए नरके में थे, और ये लगता है कि अक्टूबर भी या नवंबर भी किए होंगे। सोचा है आवे लगी जब जा रही है तब इतना पैर नेट जाता। अभी अभी तो अब हो गए सड़क हो गए के काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र ना सोची नाम हकन, धर्मेश नाम हकन मुखिया। तो पूरा विकास है इस गांव का, पूरा विकास हुआ इस बार। विकास कहीं है पूरा। नालंदा जिले के अंतर्गत डोया गांव में अखिल भारतीय अति पिछड़ा आरक्षण मंच के द्वारा रोहिणी आयोग को लागू कराने को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कुमार बिंदेश्वरी सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा पिछड़ा समाज को आरक्षण में बंटवारे को लेकर रोहिणी आयोग का गठन किया गया था, लेकिन फिर भी इसका प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, जिससे अति पिछड़ा समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर पूरे भारतवर्ष के अति पिछड़ा समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए अखिल भारतीय पिछड़ा आरक्षण मंच के द्वारा जन जागरण चलाया जा रहा है, ताकि सभी एकजुट होकर आरक्षण का हक पा सके और मजबूत बन सके। रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट अब तक जो है सिफारिश जो है प्राप्त है, और उसका कार्यकाल 13वीं बार बढ़ाया गया है। अभी तक जो 27% आरक्षण केंद्र सरकार ने लागू किया है, उससे 938 जातियां जो है वो खाली हाथ अब तक हैं, और इसमें जो दबंग जाति के लोग हैं पिछड़े वर्गों में, उन्हीं को सिर्फ जो है इसका लाभ मिल रहा है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, उन्होंने वर्ष 2015 में ओबीसी की जाति के बारे में उन्होंने एक रिपोर्ट दिया कि यह जो है उपजातियों का जो है निर्धारण कर जो वंचित है अब तक उसको लागू कराया जाए, और उप श्रेणी में जो है बांट कर करके इसको अलग अलग किया जाए, जिसमें अति पिछड़ा, ज्यादा पिछड़ा और पिछड़ा की का श्रेणी जो है वो एस्टैब्लिश किया जाए। इस आबादी के साथ यह घोर अन्याय है, यह शोषित पीड़ित जो कमजोर वर्ग के लोग हैं समाज में, जो वंचित तबका है, जो हाशिए पर है, उनको भारत के संविधान जो यह अधिकार दिया है कि समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए इन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाए। आरक्षण का लाभ तो मिला, लेकिन अभी तक उस लाभ से अति पिछड़ा समाज वंचित है। इसको मुख्य धारा में लाने के लिए ये रोहिणी आयोग का गठन किया गया, लेकिन अभी तक रिपोर्ट भी पटल पर नहीं आया है और लागू भी नहीं हुआ है। खबर बेतिया से है, जहां योगा पट्टी प्रखंड क्षेत्र के पाटीद्वार द्वारा सड़क को अतिक्रमण लेने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने बताया कि दो पाटीदारों ने सड़क पर 12 फीट चौड़े सोलिंग का निर्माण कराया था, जिससे एक पाटीदार द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसे आने में काफी परेशानी हो रही है। कई जगह आवेदन देने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय मुखिया मुन्ना ने प्रशासन पर सख्त कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण को मुक्त करने की बात कही है, ताकि शीघ्र सड़क को सुचारू रूप से परिचालन का शुरू किया जा सके। मेरा कहना यह है कि ये जो रोड बना है 2011 से प्रक्रिया हुआ है, और सरकारी योजना से सरकारी पैसा से खड़ंजा हुआ है। मेरे दरवाजे तक ये रोड आता है। ट्रैक्टर के माध्यम से सारा सामान यहाँ आया है, तो एक भी मकान इधर बना, एक मेरा मकान बना, या तीन तीन मकान बना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आज मेरे घर में शादी पड़ा है, तो मेरे भाई पटीदार जो हैं, जैसे तूफानी कुंवर, उनके लड़का रूपेश कुंवर, प्रेम शंकर पर उनका भाई हुए, उनका लड़का नीलेश, ये ऑल दर्जे से बदमाशी कर रहे हैं, रास्ता मेरा रोक दिए है, मेरा सर सवारी नहीं आ रहा, कोई भी रिश्तेदार आ रहा है तो सवारी नहीं आ पाता है, यहाँ तक कि मेरा बारात निकलने में भी तकलीफ है। सारे लोग ने अपने सहमति से ज़मीन दिया, रास्ता निकला, बीच में बाद में इन लोगों फिर विवाद हुआ, तो तूफानी कुंवर जी ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया अपने स्तर से, और थाना में आवेदन गया था। उसके बाद सनिचरी थाना में आवेदन गया,
तो इंस्पेक्टर साहब भी आए हुए हैं मामला को अपने तरफ से, बोले कि हम मामला को सुलझा देंगे। हम लोग भी प्रयास में लगे हुए हैं कि रास्ता निकलता है तो सभी लोग को फायदा होता है, उनका क्या, जिस रास्ता द्वार पर से निकले या कहीं से निकले, सारे पब्लिक को उससे फायदा है। 23 तारीख को हम एक गाड़ी आया, वहाँ पर सामान लादने के लिए लड़की का शादी तय किए थे, यही 22 का शादी था। उसका हस्बैंड जो है ट्रेनिंग में है आसाम में SSC में, शादी चल गया नवंबर में, लड़का का शादी हमारा 28 तारीख का है। सामान लादने के लिए उसका सामान भेजवा दें, पलंग तलंग जो बनवाए थे हम अपना, ये लोग नहीं आने दिए, बांस में फंस गया, हम गए छोड़ाने तो हमको मारपीट लोग किया है। पहले से झंझट लोग था तो हम लोग सोच कर मरेगा से काम करा दिया, ये रास्ता रहेगा तो झंझट नहीं रहेगा। यहीं चलते हम लोग मुखिया जी मिले, हम वार्ड मिले, मिलकर उसे मरेगा से काम करा दिया। अब ये लोग के आपसी विवाद के चलते खाली मामला चल रहा है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। पहुँचेंगे हम वहाँ जहाँ हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल, पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू, खबरों में रफ्तार बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबर की ओर। बाढ़ थाना क्षेत्र में इंजीनियरिंग कुल्हड़ नाम पर चलने वाली फैक्ट्री में हुई भीषण चोरी। बता दें कि फैक्ट्री के संचालक का कहना है कि ऊपर अल्बेस्टर का कोना तोड़कर ऑफिस में घुसकर चोरी की गई है। लगभग 2 लाख से अधिक रुपए की चोरी हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वो अपनी बहन के इलाज के लिए अस्पताल में गए हुए थे, इसी दौरान चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल फैक्ट्री के संचालक द्वारा पुलिस को सूचना दे दी गई है। हाँ, चोरी हो गया। चोरी हो गया, कब चोरी हुआ था? चोरी 10 बजे के बाद, 11 बजे तक तो हम जागे हुए थे, उसके बाद चोरी हुआ है। हाँ, उसके बाद चोरी। जहाँ जहाँ मेरा कैश, जिस पॉइंट पे सिर्फ कैश रखा हुआ था वो जगह टूटा हुआ है। एक गल्ला में मेरा 1,35,36,000 रुपया एक बन चुकड़ी में रखा हुआ था। दूसरे में मेरा इधर का कलेक्शन था, क्योंकि हम 10 दिन से अवेलेबल नहीं थे, फैक्ट्री का कलेक्शन था जो बैंकिंग नहीं हो रहा था, तो हम यहाँ थे ही नहीं। कल भी आए थे तो कल सैटरडे बैंक बंद था, फिर हम फैक्ट्री वहीं महावीर कैंसर हॉस्पिटल चले गए। फिर वहीं से हम दिन में 11 बजे थाना को फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा बात है, आप वहाँ पर जाके इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तब तक हम आएंगे तो फिर आके FIR दर्ज करवा देंगे। लेकिन अभी तक थाना से कोई आदमी इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आए हैं। अंततः मुझे जो भी अपना तरफ से प्रक्रिया करना था हम कर दिए, और मेरा टोटल जो मेरा कैश है 3,70,000 के आसपास का मेरा यहाँ पे चोरी हुआ है। खबर सहरसा से है, जहां बिशनपुर गांव के मुख्य मार्ग पर एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल पर सवार 65 साल के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि मृतक सहरसा से मोहनपुर जा रहे थे, तभी सोनबरसा कचहरी की ओर से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल को धक्का मारा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल ट्रक ड्राइवर को पुलिस के गिरफ्तार कर लिया है और सोनबरसा कचहरी का मुख्य मार्ग बाधित कर दिया गया है। हम उधर से आ रहे थे, इधर से ट्रक वाला चढ़ा दिया। कहाँ से आ रहे थे? सहरसा से आ रहे थे। उधर से क्या काम से गए? सहरसा गए थे, सिस्टर बेटा का मुहर्रम था उसी में गए थे।
तो बहन के यहाँ गए थे। आप क्या चीज से थे? हम बाइक से थे। और तो ये हवा वाला ठोक दिया? हाँ, ये हवा वाला ठोक दिया। इसमें जो है कि हम स्लो से आ रहे थे। इसमें जो घटना हुआ वो आपका कौन है? ये मेरा पापा हुआ। क्या नाम है उनका पापा? विजल सर। हवा आ रही थी उधर से या ठोकर लग के मृत्यु टकरा करके? घायल भी हुआ है कोई? घायल सुने एक हुआ है, किसी का बच्चा और एक का मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई है। आगे क्या प्रोसेस हो रहा है? पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद मुआवजा की प्रक्रिया दिया जाएगा इनको, जो मुआवजा है। प्रक्रिया ना भी किया जाएगा। ट्रक पकड़ा गया? ट्रक ड्राइवर सब पकड़ा है। नवादा में घने जंगल में अफीम की खेती करने का मामला सामने आया है। खेती करा रहे नक्सली बदलती परिस्थितियों में अपनी अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर रखने के लिए एक नया रास्ता अपना रहे हैं। बता दें कि नक्सल प्रभावित नवादा जिले के रजौली में पुलिस और एसएसबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 5 घंटे चले ऑपरेशन में 3.5 एकड़ जमीन पर लगभग पकी हुई अफीम की फसल को नष्ट किया है, जिससे पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात कर